नमस्कार मित्रों, मैं पंडित संजीत झा फिर से आपके बीच में आया हूँ और इस बार मैं बहुत ही विशेष जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि कल दीपावली का पावन त्यौहार है, तो इस दीपावली के पावन त्यौहार पर पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और उससे पहले प्लीज़, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मैं और आगे जो वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुँच सके। तो आज बहुत ही विशेष विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का चर्चा का विषय है मुहूर्त। वैसे तो दीपावली के दिन संपूर्ण समय जो है बहुत ही शुभ होता है, परंतु इस समय में से भी जो अति शुभ समय होता है आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि जो अति शुभ समय है उस शुभ समय में यदि हम कोई क्रिया को करते हैं तो उस कार्य का फल हमें अत्यधिक प्राप्त होता है। तो यदि इस शुभ मुहूर्त शुभ समय में हम कुछ कार्य करेंगे, पूजन करेंगे और मंत्रों की सिद्धि करने के लिए बहुत ही विशेष रूप से समय होता है, तो ये कोई भी कर सकते हैं। सबके लिए ये जो समय बहुत ही शुभ माना गया है। इसमें आवश्यकता नहीं है कि आप ब्राह्मण को ही बुला करके कार्य को करें। यदि ब्राह्मण मिल जाए तो उसकी तो बात ही नहीं कुछ हो सकती, क्योंकि जो ब्राह्मण के मुख से कर्म हो जाएगा उसके से बड़ा शुद्ध कर्म जो है कोई भी नहीं। परंतु यदि ब्राह्मण, दीपावली का दिन होता है, सभी व्यस्त होते हैं, यदि ना भी मिले तो स्वयं आप जो है आज के दिन इस क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। ये तीन मुहूर्त जो है दीपावली के दिन, मैं आपको विशेष रूप से जो अमृत योग जिसको हम कहते हैं, अमृत का तात्पर्य हुआ कि यदि हम रोग आदि बाधा से व्यस्त हैं, धन आदि की परेशानियों से जूझ रहे हैं और जीवन में सदा कष्ट व्याप्त है, तो इस अमृत काल में, अमृत समय में यदि हम कर्म को करेंगे तो हमारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तो इस अमृत काल में क्या करना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जो तो धन की परेशानी से जूझ रहे हैं वो माँ लक्ष्मी का सुमिरन करें, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भिन्न उपाय करें। मैंने आगे भी वीडियोज डाली हुई हैं, दीपावली पूजन विधि, धनतेरस पूजन विधि, उसी में दीपावली का भी पूजन का सारा वृतांत कहा गया है। श्री यंत्र को सिद्ध करने की विधि भी बताई गई है, तो आप जो है हमारे चैनल से उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके में जो जानकारी दी गई है वो अमृत समय में, इस अमृत मुहूर्त में यदि आप करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। जो रोगी हैं, जो रोगों से ग्रस्त हैं, उनके लिए ये अमृत एक अमृत के समान। उस मुहूर्त में आपने भगवान लक्ष्मी नारायण के चरण कमलों को प्रक्षालित करना है, चरणों को धो करके दूध दही घी शहद शक्कर से भगवान लक्ष्मी नारायण जी को स्नान करवाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जपिए और उस चरणामृत को ग्रहण कीजिए। आपकी बाधा और आपके जीवन में जो रोग हैं उनका अवश्य नाश होगा, क्योंकि ये अमृत मुहूर्त में जो आप चरणामृत पियेंगे वह अमृत के तुल्य हो जाएगा। तो उस अमृत तुल्य चरणामृत को ग्रहण करने से सभी प्रकार के रोग जो हैं दूर होंगे। तो इस मौके को हाथ से चाने ना दें, इस क्रिया को संपन्न करें, भगवान लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति को स्नान करवाएं। यदि भगवान लक्ष्मी नारायण जी पास में नहीं है तो आप जो है एक सुपारी लें, दो सुपारी लेकर के उसको आप लक्ष्मी नारायण का रूप जानते हुए उसी को स्नान करवाएं और उसको स्नान करवाते हुए संपूर्ण क्रिया को संपन्न करें, धूप दीप आरती करें, पूजन करें और कार्य को संपन्न करके चरणामृत को ग्रहण करें। यदि आप इस क्रिया करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। वो अमृत मुहूर्त का के टाइमिंग जो है अब मैं आपको बता देता हूँ। दीपावली दिन 19 की तारीख को सबसे पहले ये अमृत मुहूर्त जो है दोपहर को 1:37 से 3:01 तक का अमृत मुहूर्त है। उसके बाद दूसरा अमृत काल जो है शाम को 5:48 से 7:25 तक है। उसके बाद जो बिल्कुल अगले दिन मॉर्निंग बिल्कुल सुबह जो है वह है 4:02 से सुबह 5:30 तक। ये हमारा 20 तारीख की सुबह आ जाएगी। तो ये जो अमृत मुहूर्त है इसमें यदि आप कार्य को करेंगे, भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, तो मैं कहता हूँ गारंटी है, निश्चित आपकी जो है सभी मनोकामना पूर्ण होगी और आपके जीवन से रोग जो है दूर होंगे। और यदि आप धन की परेशानी से जूझ रहे हैं तो श्रीयंत्र पूजन करें, उसकी विधि मैंने अपने दीपावली पूजन में दिया हुआ है, और हल्दी की गांठ वाला उपाय करें, आपके जीवन से समस्त कष्ट जो है दूर होंगे और आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। तो इस अमृत मुहूर्त को हाथ से जाने ना दें और इस अमृत मुहूर्त का जो है लाभ उठाएं,
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, तो उस पर जो आप पेज को लाइक कर दिए, ठीक है। प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें, कमेंट के जरिए अपनी राय जो है जरूर दें, जिससे कि पता लगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। ओके फ्रेंड्स, जय माता दी।